नमस्कार, मैं उषा सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। महापौर यानी मेयर के चुनाव बहुत ही पास आ चुके हैं। हर वार्ड से नेता अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसी सिलसिले में आज हम आ गए हैं सदियापुर वार्ड 84 में, जहाँ से निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल निषाद नंदा जी। आज हम उनसे महापौर के चुनाव पे कुछ चर्चाएं करेंगे। हमारे डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सदियापुर में आप क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, इसके पहले जो है मेरे पिताजी यहाँ का कार्यकाल संभाल रहे थे जी, जहाँ पे इन्होंने रोड मतलब साफ करवाने का काम किया, इंटरलॉकिंग बिछवाने का काम किया, RCC रोड करवाने का काम किया जी। 2017 के बाद जो काम पिताजी यहाँ पे छोड़ा था जी, आज भी वही काम वहीं पे रुका हुआ है जी। जहाँ पे इंटरलॉकिंग छूटी हुई थी, इंटरलॉकिंग आज भी वहीं पे रुकी हुई है, नालियाँ साफ नहीं हो पाई। पिताजी आपके सपा से हैं, है ना जी? जी बताएं। इंटरलॉकिंग पापा जहाँ छोड़ के गए थे आज भी वहीं पे है और सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज जो सिटिंग पार्षद यहाँ के बैठे हुए हैं वो व्यापारी हैं, वो सिर्फ व्यापार करते हैं, मतलब पब्लिक के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं रहता उनके पास। मतलब कि कहना चाहूँगा कि अगर कोई लोग जाते हैं उनके पास, वो ये समझ लीजिए कि साइन नहीं कर पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। समस्या की तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक एक महीना, दो दो महीना लाइट नहीं आती। आपको मालूम होगा यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया, 4 महीने से लाइट नहीं आ रही थी। तो हमारी टीम, पापा की टीम पूरी मिल के हम लोग जाके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपे, तब जाके वहाँ पर लाइट का काम हुआ, तब जाके लाइट का काम आगे बढ़ा। ये समझ लीजिए समस्याएँ तो बहुत हैं, पर यहाँ कराने वाला पार्षद अभी भी बैठा हुआ है। चलिए, आपके पिताजी इस वार्ड से कई बार से चुनाव जीतते आए हैं, आप इस विरासत को आगे ले जा पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो पब्लिक ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। अगर पब्लिक मुझे चुनती है तो जहां पे भी काम छूटा हुआ था तो वहां से काम आगे ले जाने का काम करूंगा, और मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पार्षद का काम कैसे कराना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, अधिकारियों से कैसे बात करना चाहिए। ये सारा ज्ञान मुझे मेरे पिताजी ने दिया है, क्योंकि मैं उनको देखता आया हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ पापा कार्यकाल देखते आ रहा हूँ। वो सुबह 6 बजे उठ के कैसे काम कराया करते थे, कैसे लोगों से बात करते थे, कैसे अधिकारियों से बात करते थे, कैसे बिजली विभाग वालों से बात करते थे। तो वो सब थोड़ा बहुत गुण मेरे अंदर है, क्योंकि मैं लेके चुनाव में उतरूँगा जी। चलिए, पिताजी की तो बात हुई, आपने अपने काम क्या किए हैं? आप सिर्फ अपनी बात बताइए कि लोग आपको क्यों वोट दें जी, क्योंकि वोट इस बात पे तो सिर्फ नहीं दिया जा सकता है कि आप उनके सुपुत्र हैं, तो आप अपने काम बताएं। तो मैंने देखिए, मैं MBA किया हूँ, मैंने दो चार चीज़ ऐसे सोचा है कि मैं ये पे लाऊंगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे मैंने सोचा एक मैं कंप्लेंट बॉक्स रखवाऊंगा जी, हर क्षेत्र के बाहर, हर गली मोहल्ले के बाहर मैं कंप्लेंट बॉक्स रखवाऊंगा, जिसको जो भी दिक्कत होगी उसमें डालने का जी। मेरा ऑफिस रहेगा परमानेंट, हमेशा ऑलवेज ऑन रहेगा, कि जिसको जो समस्या होती है आके ऑफिस में बताए। मैं ऐसी एक मतलब सेटिंग बना दूंगा कि लोगों को यहाँ तक आना ही नहीं पड़ेगा। आप समझिए बात को, कि मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि जो पहले उनके पास जाएंगे जी, ताकि वो लोग यहाँ से चल के ना आए, उनका काम वहीं से हो जाए। मतलब प्लानिंग हो रखी है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग मैं यहाँ करके रखा हूँ, जो कि मैं इनिशिएट करने जा रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करने जा रहे हैं। डेफिनेटली। चलिए, अब ये बताइए कि जिस तरीके से BJP आक्रामक तरीके से हर छोटे से छोटा चुनाव लड़ती है जी, आपको क्या लगता है कि आप निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं रहेगा आपके साथ, कितने आगे जा पाएंगे और क्या रोल रहेगा? मैं अपने काम पे वोट मांगने जा रहा हूँ जी। मैंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया था, लाइट का, बिजली का मुद्दा उठाया था, उस टाइम कोई साथ नहीं आया था। मैं निर्दलीय एक मतलब एक आम आदमी की तरह मैंने वो मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा काम भी आया, आज लाइट भी चालू हो गया, आप जाके पता कीजिए कि लाइट भी चालू हो गया। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मैंने लोगों के बीच में 5 साल रहा है, लोगों के बीच में उनकी बात सुनता था, उनकी बात समझता था कि हाँ वो लोग क्या चाहते क्या है। देखिए, पार्षद का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, आप नाली साफ कराइए, इंटरलॉकिंग जहाँ पे नहीं वो बनवाइए, अगर इतना काम आप कर देते उनके लिए तो आपके लिए वो बहुत है वो जी। तो मैं इन सारे चीज़ों पर मेहनत करूँगा और मैं पब्लिक की नज़र में खड़ा उतरूँगा। चलिए, अब ये स्थानीय चुनाव है तो इसमें कैसे मुद्दे होंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे? पार्षद का जो मेन रोल होता है जी, वो नाली साफ करवाना होता है, इंटरलॉकिंग पे ध्यान देना होता है, बिजली पे ध्यान देना होता है कि कभी कभी बिजली नहीं आती, काफी दिन नहीं आती, तो अब सीधा लोग विधायक के पास तो जाएंगे नहीं जी, तो पहले पार्षद के पास आते हैं जी। तो हमारा अच्छा संपर्क है बिजली विभाग से भी, जलकल विभाग से भी अच्छा संपर्क है हमारा, हम उनसे भी काम करा सकते हैं, हम अधिकारियों से बात करने में कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी अधिकारी अगर आता है तो मैं बिना कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज पब्लिक क्या चाहिए, अगर हमारा नेता किसी से बात करने में नहीं डर रहा है, झिझक नहीं रहा है, तो लोगों को और क्या चाहिए? अगर आपकी कोई समस्या है, कोई पुलिस छोटा सा केस भी हो गया, अगर नेता खुल के बोल सकता है तो आपका काम जरूर करवा देगा वो, काम नहीं कराएगा आपकी मुद्दा तो उठा ही देगा वो। चलिए,
इस बार के चुनाव किस किस तरीके से लड़े जाएंगे, मतलब इस हर बार घिसी पिटी तरीके से जाति धर्म या फिर व्यक्तिगत मुद्दे होंगे? देखिए, ये सदियापुर क्षेत्र है, यहाँ 98% लोग निषाद बिरादरी के हैं जी, तो यहाँ जाति बिरादरी। अच्छा, ये निषाद बिरादरी के हैं, तो क्या आप मतलब इस सोच में तो नहीं है, या क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके बिरादरी के लोग होने की वजह से ज़्यादा वोट मिलेंगे आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पापा मेरे थे वो भी निषाद हैं, जो अभी सिटिंग पार्षद हैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी निषादी हैं। जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो सारे निषादी होते हैं, क्योंकि निषाद बोल क्षेत्र है, तो यहाँ जो भी लड़ते हैं मैक्सिमम निषाद ही लड़ते हैं। अच्छा। तो यहाँ कोई जाति समीकरण का कोई बात ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सब निषाद हैं। निषाद को वोट देना, निषाद को बनना भी है। पिताजी आपके इतने साल से समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हुए आपने निर्दलीय लड़ने का क्यों निर्णय लिया? देखिए, पार्षद का चुनाव होता है व्यक्तिगत चुनाव जी, पार्टी है, पार्टी का अहम भूमिका रहता है चुनाव में जी। पर मैं समझता हूँ कि पार्षद जो होता है व्यक्तिगत चुनाव पे आदमी लड़ता है, अगर व्यक्तिगत चुनाव पे वोट मांगता है तो उसके लिए ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा कारगर साबित होता है। पार्टी के अंडर रह के चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ होती है, पर स्वतंत्र चुनाव लड़ना थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलो कि हिम्मत का काम है, अपने दम पे लड़ रहा है, अपने स्वभाव पे लड़ रहा है, अपने नेचर पे लड़ रहा है। आपके इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर जनता आपको पार्षद चुन लेती है तो फिर आपके यहाँ के जनता के लिए क्या क्या काम होंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कंप्लेन बॉक्स रखवाऊंगा जी, ताकि किसी को दिक्कत हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा विरोध भी करेंगे पर मेरे ऑफिस नहीं आना चाहेंगे काम लेके, तो मैं कंप्लेन बॉक्स पर जब रखवाऊंगा तो वो कंप्लेन करेंगे, उसमें चाहे वो मुझे गाली ही क्यों ना दें, मैं कंप्लेन बॉक्स रखवाऊंगा। मैं हर गली मोहल्ले में एक लोग ऐसा तैनात करूंगा जिनसे आप पहले शिकायत कर दें, ताकि आपको यहाँ तक आना ना पड़े। अगर उनसे काम नहीं होता है तो मैं सामने आके काम करूँगा, जहाँ जहाँ काम रुका हुआ है। मुझे याद है पापा ने वो बिछवाया था, RCC बिछवाया था, वो सारी माई तक रखा हुआ है, उसके आगे नहीं बढ़ा आज तक, तो वहाँ से मैं आगे ले जाने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ नालियाँ अभी नहीं बन पाई हैं, आपको मालूम होगा ये पार्षद जी बैठे हुए हैं अभी तक क्षेत्र में निकले नहीं हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उनके शायद परिवार से इनको इस बार वोट ना मिले और शायद BJP से टिकट भी ना मिले। अच्छा। हमें उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर मैं बताना चाहूँगा उनकी छवि एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं गए। अब मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि लोगों का सपोर्ट इस बार मुझे ज़रूर मिलेगा। अगर आपके इस वार्ड को छोड़कर मुख्य तौर पे BJP से प्रयागराज की बात की जाए तो करेली साइड में कितनी ज़्यादा रोडें ख़राब हैं, और हर ग्रामीण क्षेत्र के साइड में काफ़ी रोडें ख़राब है। जो ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो विकास हुआ है शहर मूल्य क्षेत्र में हुआ है, अभी इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी इससे आप थोड़ा आगे जाइए करेला बाग जी, आप देखेंगे रोड एकदम खराब है जी, किसी भी गली में आप निकल जाइए रोड खराब है। अभी रोडे तो बनी है बहुत जगह, लेकिन ये करेली इलाके में और भी बहुत सारे ग्रामीण बमरौली इलाके में क्यों नहीं बनी? अब ये तो क्या लगता है आपको कि BJP का क्या क्यों ऐसा किया? यहाँ सरकार काम करने में विफल रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनको ध्यान देना चाहिए था। जो अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो पार्षद का ये हक बनता है कि जाके एक बार ज्ञापन सौंपे, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे या तो DM साहब को सौंपे, ताकि काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये लोग सारे पार्षद इकट्ठा हो जाएं तो कैसे काम नहीं होता शहर में? आप देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं, ऐसे बहुत से पार्षद हैं जो क्षेत्र में जब सरकार नहीं सुनती, जब मेयर काम नहीं सुनता है, तब जाते हैं प्रशासन के पास, सिटी मजिस्ट्रेट के पास, जिलाधिकारी के पास, उनके पास जाके ज्ञापन सौंपा जाता है ताकि ऊपर से काम हो सके। मतलब आपके हिसाब से BJP विफल नहीं सक्सेस हो पाई है जी, जहाँ पे तो आप बता रही हैं। अगर आप वार्ड की अलग अलग वार्ड की बात करें तो उसमें विकास के लिए, उसमें डेवलपमेंट के लिए महापौर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अगर विकास नहीं हो पाया है तो ये मतलब पूरी तरीके से महापौर की जिम्मेदारी है। तो उसके साथ साथ क्या लगता है आपको कि अब इस बार किस पार्टी से महापौर चुने जाएंगे या चुनी जाएंगी? देखिए, किसी भी पार्टी का अगर मेयर बनता है जी, काम उनको लोगों के लिए करना है, पार्षद के साथ मिलकर काम करना है। अगर उनका सहयोग पार्षद के साथ अच्छा रहा तो पार्षद जाहिर सी बात अपने क्षेत्र में काम अच्छा करवा पाएगा, किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे BJP का हो। ये डिपेंड करता है कि पार्षद जो परेशानी चल रही है क्षेत्र में, रोड है, नाली है, अगर जो दिक्कत चल रही है वो पार्षद अपने लेटर पैड पर लिख के मेयर साहब को दे। अगर वो नहीं करती हैं तब आप प्रशासन या ऊपर अपर अधिकारी के पास आप जाइए, डेफिनेटली वो काम होगा। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आपका स्वागत है, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। अब अगला सवाल मेरा आपसे यह है राहुल जी कि चुनाव लड़ने से पहले, अब तो आप लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले आपने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं जो लागू हो चुके हैं उनके बारे में बताइए। अभी बाढ़ आया था हाल ही में, मालूम होगा 2 दिन पहले जी,
मैं मतलब बोलना नहीं चाहूँगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं घर घर जाके नाव से बैठ के बाइक से पैदल जाके घर तक मैंने सामान पहुँचाया है। उसके बाद मैंने बताया लाइट का मुद्दा मैंने उठाया, कई जगह इंटरलॉकिंग रुकी हुई थी, तो मैंने उसको लेटर हेड पे मतलब लिख के पास करवाया कि हाँ चलिए जब आपका कार्यकाल शुरू होता है तो यह इसको कराने का काम किया जाएगा। उसके बाद लोगों के पास लगातार मिलता रहा, जिसकी जो समस्या रही, किसी के घर के पास अगर मान लीजिए कुत्ता माली मर गया तो उसको मैंने अरे उसको नगर निगम को बुलवा के कोठवाने का काम किया, ऐसे ढेरों काम किया है, इसकी जो है सूची भी बहुत लंबी है। आपके हिसाब से एक पार्षद या उसके बाद फिर क्या महापौर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं जो मूल तौर पे उनको समाज के लिए करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि उनके क्षेत्र सफाई रहे जी। घर के सामने कूड़ा ना रखा जाए जी। अगर कहीं कोई समस्या होती है, कभी कभी क्या होता है कोई जानवर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है किसी के दरवाजे पे, तो उनको जो है सबसे पहले उनको उठवाने का काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो है गंदगी फैलाते हैं, उनसे बीमारी पैदा होती है, उनको उठवाना चाहिए। नाली की सफाई डेली होनी चाहिए, अगर किसी गली मोहल्ले में रोड नहीं बना, इंटरलॉकिंग नहीं बनी है या पक्की सड़क नहीं बनी है, उसको काम कराना चाहिए, अधिकारियों से मिलके, मेयर से मिलके, जितने भी जो इनके जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलके काम कराना चाहिए। ये तो हुई पार्षद की बात। अगर मैं मेयर की बात करूँ, कहीं कोई आपदा आ जाती है, कहीं कुछ रह जाता है, रोड रह जाती है, वो सारा जिम्मेदारी मेयर का होता है कि आप उनको संज्ञान में लें, सो काम कराएं। जी जी। अब अगर स्थानीय मुद्दे की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपके पार्षद बनने के बाद क्या क्या मुख्य तौर पे चीज़ें, मतलब जनता किस किन किन चीज़ों का लाभ उठाएगी, आपकी प्लानिंग दैट बैलेट बॉक्स जो आप लगवाएंगे उसके अलावा? देखिए मैंने बताया कि पापा जहाँ पे काम छोड़ के गए थे मैं उसको आगे ले जाने का काम करूँगा। अच्छा, छूटे हुए काम को आगे, छूटे हुए काम को सबसे पहले, क्योंकि जब हम लोग RCC बनवा रहे थे हमारा एम था कि पूरा ये क्षेत्र कवर हो जाए, पर आधे पे रुक गया। सारी माई मंदिर है सदियापुर में, वहाँ तक रुका हुआ है, हम चाह रहे उसके आगे तक लेके जाएं, जहाँ तक हमारा क्षेत्र है पूरे में ये RCC हो जाए, क्योंकि वो मेन रोड है, वहाँ से मछली का व्यापार होता है तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, वो बिना RCC को ठीक नहीं हो पाएगा और बरसात में पानी भर जाता है वहाँ पे, तो मैं उसको पहले पूरा कराऊंगा। अभी यहाँ पीछे जो है मतलब कच्ची सड़क है, सड़क टूटी हुई है, उसको काम कराने का प्रयास करूँगा। अभी क्षेत्र में बगल में गड्ढा हुआ रखा है जहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है, उसको साफ़ कराने का काम करूँगा, क्योंकि क्षेत्रीय लोग बहुत कंप्लेन करते हैं इस बात को लेके कि यहाँ कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसको साफ़ कराने का काम करूँगा। और जब से यहाँ पे जो पार्षद चेंज हुआ है, इस गली को एक बार आप देखिएगा, इस गली में सफाई नहीं होती, ये बोल के कि ये नंदा का इलाका है, यहाँ पे जो है काम करना वैलिड नहीं है, क्योंकि पापा हमेशा सरकार के विपक्ष में रहे, तो इसको साफ कराने का काम करूँगा। चलिए, पिताजी आपके सपा से हैं, सपा से इस बार का चुनाव भी शायद लड़ेंगे जी। तो सपा की अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं, अपने प्रत्याशी हैं, बीजेपी का भी वैसे ही है, कांग्रेस का भी, आपको क्या लगता है आपकी राय से किस पार्टी की दावेदारी इस बार सबसे ज़्यादा मजबूत होगी महापौर के लिए? पार्टी कोई भी हो जी, मेयर का काम है पब्लिक के बीच में आना, पब्लिक का जो छूटा हुआ काम वो करना जी। और मेरे हिसाब से अभी सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी मजबूती से लड़ेगी और सपा भी पीछे रहने वाली नहीं है, मैं इतना बोलना चाहूंगा। और नगर निगम के क्षेत्र बढ़े हैं इस बार जी, तो 20 वार्ड बढ़े हैं, भी असर पड़ेगा, तो उसके बाद फिर आप बताएं कि मतलब किस पार्टी से क्या क्या समीकरण होता है। 20 वार्ड बढ़े हैं, पहले 80 वार्ड थे, इस बार 100 वार्ड हो गए हैं, उसके वजह से हमारा वार्ड भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो आप देखिए, अब देखिए पहले गांव लगता था, बक्से गांव लगता था, अब नगर निगम में आ गया है जी। जब ये ग्राम लगता था मतलब प्रधान वहाँ हुआ करते थे, तो काम नगर निगम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ खंबे लाइट नहीं हो पा रहा था, तो अब जब नगर निगम लगा है तो ये सारी व्यवस्था वहाँ पे भी की जाएगी, वहाँ पे खंबे लगेंगे, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, रोड बनेंगे, नालियाँ बनेंगी, तो काफ़ी सारे काम है जो 20 वार्ड बढ़ने से लोगों के लिए लाभदायी रहेंगे ये सब। चलिए, अब आप अपनी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वो बताएं? मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही बोलना चाहूँगा, मैं एक युवा हूँ, मैं अभी 24 साल का हूँ, एक बार आप मुझे मौका दीजिए, मेरे पिताजी को आपने कई बार मौका दिया, एक बार मुझे मौका दीजिए, देखिए मैं काम करने का पैटर्न ही चेंज कर दूँगा, बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर आपके बीच में आऊँगा। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे निर्दलीय लड़ने वाले पार्षद का चुनाव राहुल निशान नंदा जी, अब इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अपने पिता का पूरा एक सपा में कह सकते हैं साम्राज्य होने के बाद भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का साहस किया है, बहुत बड़ी बात है ये। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे मूल जो मुद्दे हैं, नाली से लेके और बाढ़ की बातों उन्होंने जितनी भी बताई उसमें उन्होंने जैसे हेल्प किया, और नाली से लेके कूड़े से लेके उसमें जो उनके पिताजी ने काम कराया था वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, वो उसको आगे बढ़ाएंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया युवा होने के तौर पे, बहुत सारी चीज़ें वो आगे करेंगे।
तो देखते हैं इस बार जनता किसे चुनती है। मैं हूं श्रेय सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो।